देखिए वहां पे ना देयर वाज सम काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज जिसे हम कह सकते हैं, वो वहां पे चल रहे थे बहुत सालों से। जैसे आपको शायद पता ही होगा, जो प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट है, इट डज नॉट बिलीव इन अपीजिंग। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज भी हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जर्नलिस्ट फ्रॉम श्रीनगर एंड बड़ी अच्छी दोस्त याना मीर ने, याना जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग, अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद। बहुत शुक्रिया याना। एक तो बात शुरू करेंगे, ये जो बयानात आ रहे हैं इसके हवाले से बिल्कुल मैं जाऊंगा, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जो मेरा पहला सवाल होगा और जो चीज मुझे थोड़ा सा वो कर रही है, वो एक कश्मीर प्रेस क्लब के हवाले से आप ही के ग्रुप में मैंने खबर पढ़ी थी। काफी मतलब उसको काफी सारी चीजें मुझे वहां से मिल जाती हैं पढ़ने के लिए। तो वहां पर था कि श्रीनगर के प्रेस क्लब को बंद कर दिया, हुकूमत ने किया है या कुछ लोगों ने किया, और असल मसला क्या था जिसकी वजह से ये बंद? देखिए वहां पे ना देयर वाज सम काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज जिसे हम कह सकते हैं, वो वहां पे चल रहे थे बहुत सालों से। जैसे आपको शायद पता ही होगा, जो प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट है, इट डज नॉट बिलीव इन अपीजिंग, पॉइंटलेस अपीजिंग में ये गवर्नमेंट नहीं बिलीव करती। जो भी हमारी कंट्री की सॉवरिनिटी या हमारी कंट्री के एक्सचेकर या हमारी कंट्री के ट्रेजरी पे एक बोझ होगा, उसके साथ अच्छे से डील करती है ये गवर्नमेंट। अब आप देखें, जब वो एक्स सीएम्स को बोल सकती है ये गवर्नमेंट की प्लीज आप गवर्नमेंट के जो बंगले हैं वो खाली कीजिए, तो वो क्यों? अगर कहीं पे अब आप देखिए, जो प्रेस क्लब की जो लैंड थी वो पहले से ही एस्टेट डिपार्टमेंट को बिलोंग करती थी, फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ कहा नहीं, कोई बात नहीं, वहां पे इन्होंने प्रेस क्लब बनाया, कोई बात नहीं। इनफैक्ट वहां पे हर हमेशा से 7 पुलिस वाले गार्ड करते थे, सिक्योरिटी देते थे। तब तो प्रेस क्लब वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिक्योरिटी यहाँ पे क्यों है ये वो, तब तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज वो उसके बारे में शोर मचा रहे। इसी गवर्नमेंट ने जर्नलिस्ट के क्या बोलते हैं वेलफेयर के लिए 50 लाख रुपीज डोनेट किए थे, तब तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी जब डोनेशन मिल रहे थे। इस डोनेशन का बाय द वे किया क्या गया, 10 लाख कुछ अननोन पर्पजेस में डाला गया, और 40 लाख अभी भी एक इलीगली बनाए हुई कोई एक लॉबी है शुजाउल हक की, उस इलीगल लॉबी के अंडर वो 40 लाख है उनकी गार्डियनशिप के अंदर। अब गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि वो उसके साथ कर क्या रहे हैं। तो आप समझते हैं इस तरह की चीजें वहां पे हो रही हैं। इतने सालों से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि वहां सिक्योरिटी थी। अब अच्छा एक और बात, जबकि वो कमर्शियल प्रमाइसेस है फिर भी ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंजॉय कर रहे थे प्रेस क्लब वाले, 24 आवर सप्लाई, तो वो कमर्शियल वाले रेट्स नहीं दे रहे थे। तो हर एक चीज इतने सालों से एंजॉय कर रहे हैं, आज जब गवर्नमेंट उनको कुछ पूछती है तो उसका उनके पास जवाब नहीं, तो इसलिए हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। इनको लगता है कि आम कश्मीरी इतने बेवकूफ हैं जो इनकी बातों में आएंगे। अच्छा, कि हमें समझ तो बेसिकली हुआ ये है कि कुछ जो है ऑनेस्ट जर्नलिस्ट जिनका जमीर है, जो मुल्क के वफादार है, उस तरह के जर्नलिस्ट सामने आए, उन्होंने ये मुद्दे उठाए प्रेस क्लब के बारे में कि यहाँ पे बहुत सारी इलीगल लॉबिंग चल रही है, पैसों का क्या हो रहा है वो कुछ पता नहीं चल रहा है, ये सब जब उन्होंने मुद्दे उठाए, जब जो है ऑनेस्ट जर्नलिस्ट ने अपनी एक लॉबी बनाने की कोशिश की, तो बाकियों को मुश्किल प्रॉब्लम होने लगी उसको लेके। तो अब इस सब के चक्कर में गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि छोड़ो, जो एस्टेट डिपार्टमेंट का जो बिलोंग करती थी लैंड वो हम वापस ले लेंगे, क्योंकि इनके आपस के बीच में इतनी कंफ्यूजन चल रही है। ये वाली बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि जो आप बता रही हैं कि मतलब मुख्तलिफ किस्म के पैसों में कोई खोटबूटी या जो भी चीजें थी, लेकिन यहां पर आज मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो हमारे इस तरफ के कश्मीर यानी AJK के जो प्रेसिडेंट है, उनके स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि वहां पे मतलब यहां तक कि प्रेस क्लब को भी बंद कर दिया गया, मतलब ये खबर आ रही थी, मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूं, तो बोल रही हूं एग्जैक्टली exactly. तो वो लोग ये वाली बात करना कि मतलब ठीक है जो लोग गलत कर रहे हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं खुद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का मेंबर हूं, 2 दिन पहले उसका इलेक्शन हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में उसको बंद करना ही कोई मतलब मसले का हल है या उसके अंदर बेहतरी लाना, ये क्योंकि सवाल लाने की तो वही तो मैं कह रही हूँ, मैं वही तो कह रही हूँ, जब उनको डोमेस्टिक पावर सप्लाई एंजॉय कर रहे थे, सिक्योरिटी एंजॉय कर रहे थे, तहरीक के ठेकेदार है उनको क्या सिक्योरिटी की जरूरत थी, फिर भी एंजॉय कर रहे थे इतने सालों से।
50 लाख उनकी वेलफेयर के लिए भेजा गया, मतलब हर एक चीज उनकी बेहतरी के लिए की गई ना, एस्टेट डिपार्टमेंट की लैंड उनको दी गई, हर एक चीज उनकी बेहतरी के लिए की गई, लेकिन ये लोग अगर आपस में इनकी यूनिटी नहीं है, आपस में इनका कोई ये हल्ला गुल्ला हो रहा है, एंड जो ऑनेस्ट जो वफादार हैं जिन पे गवर्नमेंट पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकती है, जब वो जर्नलिस्ट खुद आप देखिए जुल्फिकार माजिद साहब, ही इज अ वेरी वेल नोन सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने ये बातें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ओपनली बोली है कि किस तरह से वहां कुछ जर्नलिस्ट जर्नलिज्म के नाम पे वहां पे किस तरह से एक तरह का धंधा चला रहे। तो आप देखिए कि जो ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस बात को सामने लाया गवर्नमेंट के, और तभी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि जब यहाँ पे मतलब लॉबीज बन रही है अलग अलग, जब यहाँ पे यूनिटी है नहीं, जब यहाँ पे देश के मुल्क के बेनिफिट के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, सब अपनी लग्जरीज के लिए जो पैसा जर्नलिज्म के लिए दिया जा रहा था वो अपनी लग्जरीज में यूज किए जा रहे थे, अननोन चीजों के लिए यूज किए जा रहे थे, जब ऐसी ऐसी हरकतें वो कर रहे थे, देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी, तो इस वजह से ये करना पड़ा। अदरवाइज इसके पीछे और कोई, अगर इनके बीच में यूनिटी होती, पीसफुल इनके इलेक्शंस होते, इनके अपने बीच में जो लॉबीज है उन्हीं के बीच में जब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी बेहतरी के लिए? अच्छा यानी एक चीज और है कि मतलब एज ए प्रेस क्लब मेंबर, शायद आप भी उस उधर प्रेस क्लब की मेंबर होंगी या हो सकते किसी और जगह की प्रेस क्लब की मेंबर हो हिंदुस्तान में, लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि ये सहाफियों का घर होता है, मैं अपने अगर नेशनल प्रेस क्लब की बात करूं, यकीन करें कि वहां पे कम से कम 4 बड़े ग्रुप्स हैं, और आपस में जिस वक्त मतलब जनरल गवर्निंग बॉडी का इजलास होता है एनुअल और इलेक्शन से पहले, इतना शोर शराबा, मतलब मैं ये नहीं कहता कि किसी एक दूसरे के ग्रेबान पकड़ते हैं, लेकिन झगड़े की नुयत आती है, एक दूसरे को बुरा भला कहना, सब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट बैठे होते हैं जिनको आप और मैं और मतलब हम लोग टीवी पे देख रहे होते हैं, ये लोग बैठे होते हैं और एक दूसरे को कह रहे होते हैं आपने ये कर मैं दिया, समझ गई, मैं समझ गई आप जो कह रहे हैं, वो एसएमसी इलेक्शन, मैं समझ गई एसएमसी इलेक्शंस में भी ऐसी होता है, आप कह रहे हैं कि हल्ला गुल्ला होना इज पार्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, बट दिस वाज नॉट इलेक्शन प्रोसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन देयर आर डिस्क्रिपेंसीज, जब वहां पे डाउट्स हैं कि कुछ ऐसे काम हो रहे थे जो देश की मुल्क के बेनिफिट के खिलाफ हैं और उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऐसी कुछ चीज मतलब पता चली है कि कुछ ऐसी चीजें थी, देखिए मैं प्रेस क्लब की मेंबर, जी मैं प्रेस क्लब की मेंबर हूं नहीं, तो मुझे आई हैव नो आइडिया कि वॉट इज इट एग्जैक्टली दैट ट्रिगर्ड द गवर्नमेंट टू टेक दिस स्टेप, वरना जहां तक मुझे पता है यहाँ पे फ्री फेयर जर्नलिज्म, मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ जैसे आपने कहा, यहाँ पे जर्नलिस्ट पे कोई रोक टोक नहीं है, एंड इनफैक्ट बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, जैसे मैंने आपको जुल्फिकार माजिद के बारे में बोला, ऐसे लोग भी प्रेस क्लब में जो चल रहा था उसके खिलाफ आवाज कर रहे थे, सो दैट इज वाई द गवर्नमेंट हैड टू टेक दिस डिसीजन। ओके राइट, अच्छा ये तो मतलब एक इशू है, इस पर फिर किसी और टाइम भी बात हो सकती है, लेकिन इस वक्त अगर कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं या इमरान खान साहब की तरफ से बयानात का आना, उन्होंने कल एक मतलब मुख्तलिफ जर्नलिस्ट उनके साथ बैठे हुए थे, इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि एक जिसे कहते हैं कि दोहरा मायार है, डबल स्टैंडर्ड है वर्ल्ड का कश्मीर के हवाले से और जिंगजियांग के हवाले से, उन्होंने कहा कि वहां की बात तो लोग करते हैं कि यार वहां पे जो यूगोर मुस्लिम्स हैं उनके साथ बहुत जुल्म होता है, और हकीकत है इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो मेरा तो यही बिलीव है, लेकिन वो कहते हैं कि कश्मीर में भी होता है, लेकिन कश्मीर को बिल्कुल आंखें सबने बंद की हुई, तो आप तो वहां रहती हैं, जर्नलिज्म करती हैं, हर किस्म के लोगों से मिलती है, क्योंकि मैं एक्टिविटीज देख रहा होता हूँ ग्रुप्स में आपकी, तो क्या है ये, मतलब कितनी सच्चाई है इस स्टेटमेंट में जो इमरान खान साहब ने कल दिया? देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, इमरान खान साहब खुद अपनी ही पॉलिटिक्स में फंस गए, तो अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज पॉलिटिक्स, अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द कश्मीर नैरेटिव, एंड द कश्मीर नैरेटिव इज नाउ टर्निंग वेरी वेरी पॉजिटिव, इट्स टर्निंग, अभी अभी जब दुनिया भर में जब जिक्र होता है कश्मीर का, इट्स ओनली अबाउट कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने कौन जा रहा है, जैसे आपको पता है दुबई के इमार ग्रुप, लूलू ग्रुप सब आ रहे हैं, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर बैंक के स्टॉक्स जो I agree कि they were on all time low after all these hits, you know, abrogation हुआ, फिर internet shutdown हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारी ये जो चीजें हो रही थी, संभलने में टाइम लगा, तो उस पूरे दौरान मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर बैंक के शेयर्स कितने गिरे हुए थे, लेकिन जब से ये न्यूज आने लगी है कि इमार ग्रुप आ रहा है, लूलू ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है टूरिज्म को, मतलब आप देखिए कहाँ 6,000 समथिंग टूरिस्ट हैड कम इन 2020 एंड 6 लाख टूरिस्ट हैव कम इन द ईयर 2021 डिस्पाइट द कोविड एंड डिस्पाइट, मतलब गवर्नमेंट ने टूरिज्म को लेके इतना काम किया है,
मतलब हाउ डू आई से अननोन जगहों को उन्होंने डेवलप किया, रिक्रिएशनल नई जगहों को एक्टिविटीज डिस्कवर किया है। डिस्कवर किया, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को डेवलप किया, एडवेंचर टूरिज्म को डेवलप किया, रेनोवेशन ऑफ श्राइन्स एंड टेम्पल्स, हर चीज उन्होंने की, कौन सी चीज नहीं छोड़ी। तो रेवेन्यू कितना आया है उस वजह से कश्मीर, बहुत सारी चीज। नाउ पीपल आर ओनली टॉकिंग अबाउट, अब जेके बैंक के शेयर ऊपर हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, टूरिज्म भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि जो भी कोविड की वजह से इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स थे वो कंप्लीट हो, जॉब जनरेट हो, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। अभी भी देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, आई एम नॉट सेइंग मदर गवर्नमेंट इज ट्राइंग, एंड दुनिया भर में अभी यही बातें हो रही है कि नाउ दिस इज अ गुड टाइम टू गो एंड इन्वेस्ट इन कश्मीर। अब इसके yes, बीच में जब पाकिस्तान, दिस इज माय पॉइंट, ओके आप बात करें, आप कंप्लीट करें। जब अब इसके बीच में जब इमरान खान ऐसी बातें करते हैं कि वहां पे जुल्म और सितम हो रहे हैं, वहां पे लोगों को बांध के रखा गया है, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे टॉर्चर हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा आपके परिजात में क्या दिखा रहा है। मैं इतनी बड़ी फैन थी उस शो की, वो जाता है कहीं ये पता नहीं पहाड़ों के पास जाता है, बोलता है कि सरहद के उस पार दुश्मन है, वहां पे जुल्म कर रहा है दुश्मन, वैसी जालिम तेरी मोहब्बत है। I mean, what is, why do you have to always include this stupid narrative? ऐसा यहाँ पे कोई जुल्म, कोई सितम नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कोई जुल्म हो रहा है, तो वो है पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो है। When I use the word पाक स्पॉन्सर्ड, what do I mean? मुझे पता है पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि इट कैन स्पॉन्सर थिंग्स, मतलब रेडिकलाइज करना, ड्रग्स भेजना, ड्रग्स की आड़ में बच्चों से ऐसे काम करवाना। आपको पता है जब ड्रग्स की आड़ में जब यंगस्टर्स आ जाते हैं, स्पेशली इफ दे आर अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स, वो तो कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, उनसे ये काम करवाना। अब आप पूरी बात सुनिए, इस तरह की हरकतें करना, फिर जब ये अपने हाथ में गन, और इनके पास गन भी कहां से आती है, किसी पीएसओ से छीन के भाग जाते हैं, आर्मी वाले से छीन के भाग जाते हैं, पुलिस नाके से छीन के भाग जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, फिर ये यहाँ के टीचर्स को मारते हैं, यहाँ के दुकान वालों को मारते हैं, ये वाले जुल्म यहाँ पे जरूर हो रहे हैं। अब कल भी आप देखो पुलिस वाले को मारा गया, और यहाँ पे जो लोग हैं वो रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्यों दुनिया यहाँ इस तरफ जाके नहीं देखती कि इस तरफ कितना टेररिज्म है, यहाँ पे हमारे लोगों को मारा जा रहा है टेररिज्म के नाम पे, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, जब ये प्रोटेस्ट जब यहाँ पे हो रही है उसका भी तो कोई सुनता नहीं है दुनिया में। अच्छा या ना एक चीज मतलब और है कि जिस तरीके से आपने यूएई का जिक्र किया, मैंने भी इसको पढ़ा और यकीनन बहुत बड़ी बात है, मतलब बाकी हिंदुस्तान में तो हो सकता है उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो, लेकिन कश्मीर वाले एरिया में इन्वेस्टमेंट के लिए आना यकीनन एक नई चीज है उसकी, इसलिए मैं नई चीज कह रहा हूँ कि इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कंट्री आया हो और उन्होंने मतलब वहां इन्वेस्टमेंट का अनाउंस किया हो, बाकी हिंदुस्तान के साथ उनका चल रहा था। क्या अभी इंसर्जेंसी मतलब बहुत कम हो गई है इसलिए इन्वेस्टर जो है वो मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ गया कि वो कहते हैं हाँ यार मैं इसलिए आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है एज ए स्टूडेंट ऑफ बिजनेस, तो वो ये है कि जो आपका इन्वेस्टर होता है वो कहते हैं कि वो चिड़ियों की तरह या मतलब ये कबूतरों की तरह होता है, अगर छोटी सी कंकरी भी कोई पहन दे तो उड़ के चला जाता है। क्योंकि हालात मतलब बेहतर है इस वजह से यूएई ने ये अनाउंस किए दो बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पर, वही तो मैं कह रही हूँ क्योंकि हालात ऐसे हैं। अब आप देखिए हालात बेहतर है या आप, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस, पिछले दिनों जब हमारा रिपब्लिक डे हुआ 26 जनवरी को, एग्जैक्टली आपने देखा पहली बार घंटाघर, ये वही घंटाघर है जो यासीन मलिक के दौर में यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग लहराया जाता था, लोगों को जबरदस्ती बोला जाता था घरों से बाहर आओ एंड चीयर करो, ठीक है ना। आज देखो इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है वहां पे, लहराया था एक घंटे के बाद उन्होंने उतार दिया क्योंकि वो पोल बहुत वीक था और उनको डर था कि फ्लैग गिर जाएगा, अब वो परमानेंट लगाने वाले वहां पे क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे गाड़ दिया गया। पॉइंट इज के आज की तारीख में वहां तिरंगा लहरा रहा है, लोग इसको लेके खुश है, मतलब द कॉन्फ्लिक्ट इज ओवर। अब जो हम देखो, हम जैसे जो न्यू एज नेशनलिस्ट हैं, न्यू एज कश्मीरीज, दे ऑल वांट वन थिंग कि यार हमारा कश्मीर भी उसी पेस से आगे बढ़े जैसे महाराष्ट्र बढ़ रहा है, जैसे पंजाब बढ़ रहा है, जैसे तमिलनाडु केरला बढ़ रहे हैं, एंड वी अंडरस्टैंड वेरी वेल कि द ओनली रीजन कश्मीर पीछे रह गया, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट्स अ मुस्लिम स्टेट। ओनली रीजन कश्मीर पीछे रह गया इज बिकॉज हमने हर वक्त इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखा, इन बाकी स्टेट्स ने कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं किया। अब जाहिर सी बात है मसले मिसाइल तो इनके यहाँ भी होंगे, आपको क्या लगता है यहाँ पे करप्ट पॉलिटिशियंस नहीं थे, यहाँ पे जो सोशल इविल्स हैं जैसे रेप्स और ये सारी चीजें, ये यहाँ पे नहीं होती थी बाकी स्टेट्स में, ये सोशल इविल तो हर जगह होती है, एग्जैक्टली करप्शन हर जगह होती है, फिर भी इन्होंने अपने मसले मसाइल के बावजूद कभी इंडिया के साथ, अपनी नेशनल इंटेग्रिटी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया, कभी कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा नहीं रखा।
अगर यहाँ के जो नेशनलिस्ट है अगर वो ये भी बोलते हैं ना कि हम इसके लिए पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने स्टार्ट किया, मैं फिर भी बोलती हूँ नो, मैं फिर भी अपनी कौम को ब्लेम करूंगी इसके लिए। रीजन बीइंग के जहर डालने वाला तो जहरीला है ही, लेकिन जो कान का कच्चा होता है ना वो उससे भी ज्यादा जहरीला होता है, बीमारी एक्चुअली उसको होती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमने जिंदा रख के इस वजह से कश्मीर, जम्मू कश्मीर पीछे था, लेकिन आज का जनरेशन ये समझता है हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए हमें अपने देश से फर्स्ट ऑफ ऑल वफादारी करनी होगी। उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट खत्म मतलब इन्वेस्टर, सुनिए मेरी बात, इन्वेस्टर्स खुश होके सामने आएंगे इन्वेस्ट करने, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो बिजनेसमैन है, उसको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। जब वो देखता है एक जगह पे अमन और शांति है, वो वहीं पे आके इन्वेस्ट करेगा, सिंपल एज दैट। अच्छा यानी एक चीज और है कि मेरे पाकिस्तान में एक होता है कि पेट्रियोटिज्म का कुछ इदारे हमारे मौजूद है जो कहते हैं कि अगर आप हमारी बात करते हो तो आप पेट्रियोट हो, अगर हमारे कोई मतलब इधर उधर आपने लेफ्ट राइट कर दी बात तो आप पेट्रियोट नहीं हो। क्या ये वाली पॉलिसी तो कहीं वहां पर नहीं चल रही नहीं, कि मतलब बिल्कुल हम कह, नहीं, ये बिल्कुल मेरा नहीं। असल क्वेश्चन है कि ये वाली चीज, क्योंकि यहाँ पर लोग कहते हैं मतलब मैं अभी कुछ दिन पहले आपको आसमान मैं साहिबा का आपका सवाल स्टेटमेंट खत्म सुन रहा होने था, से, आपका सवाल खत्म होने से पहले मैं जवाब दे देती हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मुझे इनका तमगा नहीं चाहिए, ये सवाल है मेरा। मैंने खुद कभी जम्मू कश्मीर पुलिस की मुखालफत में बात की है, मैंने खुद गवर्नमेंट की जो बीजेपी गवर्नमेंट जो दिल्ली में है, मैंने उनके खिलाफ बात की, दिल्ली में इन द ठीक है सेंस नॉट एट द सेंटर, ठीक है जो जैसे मनोज तिवारी जैसे लोगों ने जब बीजेपी ज्वाइन किया, मैंने कहा ये क्या बात हुई, इनको कौन सा मतलब सियासत की नॉलेज है, ये क्या दिल्ली को ठीक संभालेंगे। जी मैंने जी वो ओपनली बात की, मुझे कुछ हुआ, आप बताइए मैंने कितने एमएलए के खिलाफ बात की यहाँ पे, ठीक यहाँ पे रह के मैंने कश्मीर के कुछ एमएलए के जो एक्स एमएलए रह चुके हैं जो करप्ट है, मैंने उनको कितने बार एक्सपोज किया अपने ट्वीट्स के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू, मुझे कुछ ठीक है हुआ, यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं कुछ करने की, बिकॉज वी आर अ फ्री स्टेट। बट वहां आप देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको आपकी डिबेट में पूछा था या शायद किसी और से पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर, असद तुर के साथ क्या हुआ, हिम्मत है कि ऐसे यहाँ पे किसी के साथ हो, इम्पॉसिबल, अनलेस ही इज आउट एंड फेयरली कॉट विद एविडेंस दैट ही इज इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटी, दैट्स द ओनली टाइम, अदरवाइज वो गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट को 10 गालियां दे, यहाँ पे कोई प्रेस कॉलोनी, देखिए आप प्रेस क्लब की बात कर रहे हैं जो जो स्टेट डिपार्टमेंट को वापस दी गई लैंड, प्रेस कॉलोनी तो खुली है ना, वो तो उसको तो कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया, कोई वहां पे इंटरफेयर, वहां पे रोज रोज मतलब रोज गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होती रहती है, हमारी सैलरीज क्यों नहीं आए, हमारा ये क्यों नहीं हुआ, हमारा वो क्यों नहीं, कोई जाता है कोई उनको कुछ बोलता है, नथिंग। वेयर एज आप अच्छा देखिए जब इस्लामाबाद में वकीलों की आपकी जब बार काउंसिल की जो प्रोटेस्ट हुई थी, उनके ऊपर तो जहरीली गैस फेंकी गई थी, तो सी द डिफरेंस ना, ये दिस इज अ डेमोक्रेसी एंड ये एक चीज मैं यही मैं बात करना चाह रहा हूं कि अगर हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक ममालिक हैं, हिंदुस्तान करे या हम करें या कुछ जो भी मुल्क करता है, मेरे ख्याल में वहां पे दूसरे की दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना पड़ता है। मैं कहता हूं कि मैं इमरान खान के लोगों से शायद मैं सबसे बड़ा क्रिटिक हूं उसकी हुकूमत का, यकीन करें कि शायद ही कोई इतना हो, और भी बहुत सारे लोग होंगे, I लेकिन know you मुझे have a lot of ठीक है fans in India because of that, ठीक because है of your views. मुझे नहीं, मुझे यकीन करें उनकी पॉलिसियों से सख्त किस्म का मैं डिसएग्री हूं, क्योंकि वो नुकसान एट द एंड हम आम पाकिस्तानियों को उठाना पड़ता है। Absolutely. अगर मुझे इसके ऊपर वो कहते हैं कि नहीं जी इसके साथ ये कर लो, इसको जेल भेज दो, तो मैं कहता हूं ठीक है, मुझे पहले भी मतलब 2 दफा FIA के थ्रू, साइबर क्राइम के थ्रू मुझे पर्चे भेजे गए कि यार आप जो है आप पेश हो जाओ, पता नहीं आपने कौन सा वो ऐसा वो कर दिया है अपने ट्विटर पे, पता नहीं कहां कहां पर मैंने कर दिया, मैंने वहां पे भी लिख के दिया कि एज ए जर्नलिस्ट ये मैं पहली दफा नहीं कर रहा ना आखिरी दफा कर रहा हूं, जब तक मैं हूं मैं करता रहूंगा, ये मैं क्वेश्चन रेस करता रहूंगा। तो मेरे ख्याल में एक हेल्दी सोसाइटी के लिए या ना ये बड़ा जरूरी है कि मीडिया और आपकी सिविल सोसाइटी वहां पे बात करे। मैं ये नहीं कहता कि वो जाके कोई गन उठा ले और किसी को मतलब मारना शुरू कर दे, किसी को अलाउ ना मुझे इजाजत है ना आपको है ना किसी और को है, बट द थिंग इज वो जिसे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर हमें बात करने की इजाजत होनी चाहिए मेरे ख्याल में। Absolutely. Absolutely. और वो मेरे देश में है, मैं आपको बता दूं, वो शायद एक जमाना होगा जब लोग डरते थे, अंडरवर्ल्ड वॉज यहाँ पे पनपता था इंडिया में, करप्शन होता था फ्रॉम पॉलिटिकल, मैं नहीं बताऊंगी कि वो कौन सी गवर्नमेंट थी जब वो सब होता था नहीं नाम तो लेना वो चाहिए इमरान खान साहब की फेवरेट इंडियन गवर्नमेंट है जिसके टाइम पे वो होता था, लेकिन पांच पंजे वाली गवर्नमेंट, नहीं इमरान खान, हम इमरान खान साहब ना कुछ हमारे इंडियन लेकिन दोस्त अभी मुझे मैं अक्सर बता ट्विटर पे दूं, लिखते हैं, मैं उनको कहता हूँ मैं कहा अगली दफा जो है ना, मैंने कहा आपको इमरान खान साहब अगर चाहिए ना बिल्कुल हम देने को यार तैयार है, बल्कि हम आपको साथ में कुछ पैसे भी दे देंगे अगर नहीं आप आप ये सुनिए लेके ना, मतलब कबूल करें तो। बल्कि अभी तो ऐसी गवर्नमेंट आ गई इंडिया में, मतलब अभी तो जिस गवर्नमेंट की मैं बात कर रही थी वो पांच पंजे वाली गवर्नमेंट,
उस जमाने में जब ये सब चीजें होती थी, वो गवर्नमेंट तो आजकल बीजेपी के लिए काम कर रही है, क्योंकि जिनको उन्होंने चुना एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, वो अपनी बातों से ही बीजेपी को जिताते हैं। तो अब हम बोले क्या बोले, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, याना एक चीज और, जिस तरह अभी 5 फरवरी भी आ रहा है, उसकी मतलब पूरे पाकिस्तान में उस दिन मतलब पब्लिक हॉलीडे भी होता है और उसको कश्मीर डे के तौर पे मनाया जाता है, और बल्कि मैं 26 के हवाले से भी पूछूंगा, क्योंकि पूरे कहते हैं कि आजाद मैं आपको कश्मीर बता और दूं, पाकिस्तान 5 फरवरी में का एज ए ब्लैक डे सेलिब्रेट किया गया, और ये 5 फरवरी को जो है एज ए कश्मीर डे सेलिब्रेट करेंगे, और कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार है। तो हमारे पाकिस्तानी आप लोगों के साथ यकजहती कर रहे हैं, और आप मतलब मानते नहीं हो, आप समझते नहीं उस देखिए चीज पहली को। बात, सॉरी, वो किसका जन्मदिन था या मरण दिन था, 5 फरवरी, कौन से मकबूल, कौन से क्या थे, मकबूल मकबूल, मकबूल भट्ट साहब हैं। चलिए मुझे हम्म, फर्स्ट नेम तो याद है, आप मेरे जनरेशन के किसी को भी पूछ लीजिए वो कौन थे, उनको पता नहीं होगा। मैं आपकी की नहीं, मैं लास्ट ईयर मैंने रास्ते पे मैंने वीडियो बनाई थी, जो जो ऑन 5 फरवरी लास्ट ईयर, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो ठीक है। मैं, दैट्स अ गुड आइडिया, इनफैक्ट 5 फरवरी को मैं फिर से बनाऊंगी। तो चलते फिरते जो नौजवान थे उनको मैं पूछ रही थी कॉलेजेस के बाहर, आज 5 फरवरी ये पाकिस्तान मना रहा है, आप यहाँ क्या तफरी कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? कहते क्या 5 फरवरी, वो क्या है? तो मैंने नहीं, कहा आप लोगों आप ने लोग, भुला दिया ना उनको, उनके जहन में आप लोगों ने कुछ और चिप वगैरह फिट की है, मुझे ये लगता है। तो हम लोग कहाँ हमारे से, पाकिस्तान में कहा जाता है ना कि कोरोना का वैक्सीन लगाते हो कुछ चिप फिट कर देते हैं, तो पता नहीं फिर आपको वो सर्विलेंस और ये सारी चीजें होती है। मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी इस तरह का कोई काम अरे किया हम होगा। कौन से यार, कम ऑन, मतलब एक बार डिसाइड कर लो, एम आई जर्नलिस्ट और सम काइंड ऑफ यू नो जेनेटिक इंजीनियर जो चिप वगैरह फिट कर सकती है नहीं, किसी की बॉडी हुकूमत में? ने कर दिया होगा ना, हुकूमत ने कर दिया होगा। हुकूमत, पहली बात तो यहाँ के लोग रोते हैं, आते क्यों नहीं अमित शाह साहब यहाँ पे बात करने के लिए, फिर इतना घूम घूम के इतने सालों के बाद फाइनली वो कुछ दिन पहले आए थे, कुछ महीने पहले, पीएम मोदी के लिए वेट करते रहते, आते क्यों नहीं है, वो तो खुद यहाँ आते नहीं तो क्या करेंगे। एनीवे, तो पॉइंट ये है कि इट इज अ क्लियर थिंग कि आप लोग जो 60 साल पुरानी बातों को आप लोग जिंदा रखना चाहते हो, इट्स ऑफ नो जी जी यूज। यूथ तो यही चाहता है कि यार आगे बढ़ लो, एज लॉन्ग एज हमारी आइडेंटिटी, हमारी इस्लामियत, कश्मीरियत, इस पे कोई खतरा नहीं है, हमें क्या लेना देना है गवर्नमेंट पे कौन है, एज लॉन्ग एज हमें जॉब्स मिल रही है, एज लॉन्ग एज हमें एक अच्छी जिंदगी, इज्जत की जिंदगी मिल रही है जीने के लिए, हमें क्या लेना राइट देना है यार गवर्नमेंट में, कोई आरएसएस वाला है, कोई हिंदुत्व वाला है, कोई मतलब कोई भी हो, एज लॉन्ग एज हमें कोई तकलीफ नहीं दे रहे, एज लॉन्ग एज, ये तो नहीं कह रहे ना कि तुम सब कन्वर्ट होके मुसलमानों से शादियां करने लगो, यू नो दे आर नॉट सेइंग कि गो मैरी हिंदूज, चेंज योर रिलीजन, जैसे वहां पे फोर्स्ड कन्वर्जन्स होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी यहाँ पे, वो थोड़ी यहाँ होती है कि कश्मीरी लड़कियों को उठा के बोलते हैं कि हिंदुओं से शादी करो, अभी कन्वर्ट करो, अभी ये करो, वो थोड़ी ये सब यहाँ पे नॉनसेंस होता है। अच्छा, यहाँ पे तो, आर्मी से लेके हर कोई ईद मनाते हैं। अब आपने देखा होगा डीपी पांडे साहब जो हमारे जीओसी है, मेन जो हेड जीओसी है, जी वो जी कहते हैं हजरत बल वहां पे उन्होंने सजदे भी किए। दरगाह हजरत बल, अब बिल्कुल मैंने तस्वीरें देखी थी गालिबन आपने मैंने देखा भी वो, जी, यहाँ बिल्कुल पे इतना तस्वीरें मतलब रिलीजियस कोऑर्डिनेशन है, रिलीजियस हार्मनी है, एट द सेम टाइम इवन जो कश्मीरी जो आम लोग हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे अगर श्राइन के बगल में, मेरे इलाके में ही मैं कह दूं, ओके, मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद सब एक साथ बनी हुई है, यहाँ पे किसी को कोई जबरदस्त। प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पीपल नो हाउ टू लिव इन को एग्जिस्टेंस, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ पाकिस्तानीज आर एसेंशियली सुन्नी, कश्मीरीज आर एसेंशियली सूफी, इवन इफ दे हैव कन्वर्टेड टू जी सुन्नी, बट सर, उनका जो माइंडसेट है वो सूफी है, तो दिस विल आई नॉट चेंज। एग्री एंड रिलीजन के नाम पे शायद आप हमारे बुजुर्गों को भड़का सकते थे, लेकिन इस जनरेशन को आप नहीं भड़का पाओगे। फिर एक रीजन इसका ये भी है कि ये जनरेशन बाहर पढ़ के आया है, मतलब इन यस द इन दिस जनरेशन लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टडीड देयर, एजुकेटेड देयर एंड कम बैक, एंड दे नो इंडिया इज नॉट अ दुश्मन ऑफ कश्मीरीज, दे नो दैट वेरी वेल। सो इसलिए आप ये भड़काने वाले काम अब नहीं चलेंगे। याने एक लास्ट क्वेश्चन है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है कि हम लोग मुजफ्फराबाद में, इस्लामाबाद में, लंदन में, जिनेवा में, और जब जनरल असेंबली का इजलास होगा अक्टूबर में न्यूयॉर्क में, तो वहां पर फिर हम एक बड़ा मतलब प्रोटेस्ट करेंगे। इस तरह की चीजों को मतलब कितना एक प्रेशर क्रिएट होता है, और होता भी है कि नहीं होता, या सिर्फ ये होता है कि यार हमने जिस तरीके से आप कह रही कि इस इशू को जिंदा रखना है, उसके लिए सारा प्रोसीजर चल रहा होता ऑफ कोर्स, अब आप देखिए मुशाल मलिक भी, हर पहली बात तो आप देखिए, झूठ इस हद तक, झूठ
मुशाल मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि शी लिव्स इन श्रीनगर. आप बताइए, कुल मिला के 59 डेज शी लिव्ड इन श्रीनगर, दैट ऑल्सो मे बी 10 ईयर्स अगो, 11 ईयर्स अगो, आई डोंट नो. ओके, उसको यहाँ पे, अब हमारे जनरेशन के लोग जो उस वक्त जब स्कूल में थे वो तो उसको जानते भी नहीं कि वो कौन है. अब वो औरत वहां पे बैठ के बोलती है कि कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं, दैट इज माई लैंड, वहां पे जुल्म हो रहे हैं, एंड आई डिमांड दैट इंडियन होम मिनिस्टर शुड बी अरेस्टेड. एंड किसको डिमांड कर रही है? ब्रिटिश पुलिस को डिमांड कर रही है कि अरेस्ट द इंडियन होम मिनिस्टर. आप बोलिए, अपना खुद का इस तरह से मजाक बना के रखना, इससे आप कह रहे हैं ना, इससे इफेक्ट क्या होता है? इससे इफेक्ट ये होता है कि इनका अपना मजाक बनता जा रहा है. यासीन मलिक की वाइफ अपना मजाक बनाती जा रही है दुनिया में, और कुछ नहीं. ये वही, आप सुनिए मेरी बात, ये वही अमित शाह है, ये वही मोदी है, ये वही मोदी जी हैं. अमित शाह भी तो मोदी जी की गवर्नमेंट के, ये वही मोदी जी हैं जिनको पैलेस्टीन ने बुला के सिविलियन अवार्ड दिया, जिनको यूएई ने बुला के सिविलियन अवार्ड दिया. सऊदी अरेबिया कितना इंडिया को मानता है ये आप जानते हैं. तो जब ये सारे के मुस्लिम कंट्रीज नहीं, आज देखिए टर्की, जो एक टाइम पे पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, आज टर्की क्या बोलता है? इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं बोलता. कश्मीर का मुद्दा छोड़ ही दिया टर्की ने, इनफैक्ट 100 ड्रोन्स भेजे उन्होंने इंडिया को. दे आर ट्राइंग टू डू बिजनेस विद इंडिया बिकॉज खुद इन्फ्लेशन की गटर में गिरते जा रहे हैं. सो यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि इंडिया को इस तरह से बदनाम करने की ये जो साजिश है ये कभी कामयाब नहीं होगी, उल्टा आप लोग जोकर बनते जाओगे दुनिया के सामने, और कुछ नहीं, आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी. या ना खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक जो आपने मशाल मलिक साहिबा का जिक्र किया, तो मेरी शायद एक दो दफा या तीन दफा उनसे इस्लामाबाद में मतलब थोड़ी सी मुलाकात रही है. तो वो मैंने उनसे पूछा भी था कि मतलब आप जाती क्यों नहीं है श्रीनगर में और वहां पे मतलब अपने घर में. तो उन्होंने कहा कि यार हमें वहाँ रहने नहीं दिया जाता, हस्बैंड मेरा पता नहीं कितने सालों से, यासीन मलिक साहब जो हैं वो जेल में हैं, गालिबन तिलहाड़ जेल आप लोग कहते हैं, कौन सा है वहां पर है? हाँ जी बिल्कुल, वहां पर है. तो ये हमारे लिए वहां जिंदगी मुश्किल है, बल्कि ऑलमोस्ट उसने कहा कि नामुमकिन है. तो ये वाली चीजें भी तो वो लोग क्लेम करते हैं ना, क्योंकि अगर सीजन होता है वहां यहां के कुछ बलोच लोग जो है स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में जाकर आबाद हुए हैं, वो कहते हैं यार हमारे लिए यहाँ पे बहुत खतरा है. तो इस तरीके से मैडम मशाल भी ये दावा कर रहे हैं. मैडम मशाल अगर यहाँ आएगी, पहली बात उसको नोबडी विल ट्रीट हर लाइक अ स्टार, जैसे उसको वहां पे स्टार ट्रीटमेंट मिलती है ना इस्लामाबाद में. वो क्योंकि ये कश्मीरी की बेटी बन के आई है ना, 60 दिन की शादी करके, वो भी एक ऐसे इंसान से जो जेल में है, वो शी हैज बिकम अ कश्मीरी. सो यू नो पाकिस्तान में कश्मीरी होना इतनी बड़ी बात है कि इट हैज गॉन टू अ पॉइंट कि ये खुद को कश्मीरी समझते हैं, यहाँ रहने वालों को कश्मीरी नहीं समझते. तो इसीलिए जो उसको स्टार स्टेटस वहां मिला है वो मत मिलेगा उसको श्रीनगर में, वो मत मिलेगा उसको यहाँ. वो क्यों अपनी, वो रहता था मायसुमा में एक मतलब छोटे से एक हम्बल घर में रहते थे यासीन मलिक. अब वो कहाँ उस घर में रहेगी, यू नो शी, वो तो लग्जरी में रहती है कभी लंदन में. आप उसकी बेटी की एक्सेंट सुनिए, उसको वो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाती है, ठीक है ना. वो लग्जरी अपने छोड़ के, स्टार स्टेटस छोड़ के यहाँ क्यों आएगी? वो देखा जाए तो माधुरी दीक्षित की शादी भी हुई थी यूएसए में, यूएसए को छोड़ के इंडिया क्यों आई? क्योंकि जो स्टार स्टेटस उसको इंडिया में मिलता है, वो तो डॉक्टर नेने को लेके इतने बड़े सर्जन को बोला उसने रिलोकेट करेंगे, क्योंकि मुझे, मैं यहाँ पे स्टार नहीं हूँ, मैं वहां पे स्टार हूँ, मैं वहां जा रही हूँ वापस. अब वो, अब अगर झूठ बोला होता तो माधुरी दीक्षित भी झूठ बोल देती कि यूएसए में मेरे ऊपर जुल्म हो रहे थे इसलिए मैं वापस आ गई. लेकिन उसको पता है कि ऐसे बोलने से मेरे पे लोग हंसेंगे, जैसे आज विशाल मलिक पे हंसते हैं. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने यही सवाल जो आपको अभी बताया, मैंने हरबयार मरी साहब से आज से तकरीबन 3 साल पहले मेरी उनसे बात हुई थी, मतलब सोशल मीडिया के जरिए. तो मैंने उनसे भी ये कहा था कि हरबयार साहब आप क्लेम करते हैं कि आप बलूचिस्तान, जो भी आपका मुतालबा या जिस काज के लिए भी आप काम करते हैं, आपका एक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं कहूँ उसके लिए आपको यहाँ पे अनग्राउंड होना चाहिए, ना कि आप वहाँ पे स्विट्जरलैंड में या फिर यूके में बैठे हुए. और देखिए ये तो अब हम भी जानते हैं कि वहाँ बलूचिस्तान में क्या हो रहा है. इफ ही इज अ जर्नलिस्ट और व्हाटएवर एंड ही इज रेजिंग द बलूची कॉज, ही कैन नॉट बी इन बलूचिस्तान. हमने यार देखिए, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में झूठ बोलना मुश्किल हो गया है, चीजें छुपाना भी मुश्किल हो गया है. कितने हमने प्रोटेस्ट देखे हैं बलूचिस्तान में, बलूची, और एंड बहुत कोशिश की गई थी. मैं आपको बता दूं, मेरे रियल कश्मीर न्यूज पे भी कई बार पाकिस्तान से ये आए हैं लॉ सूट्स, यू नो, बिकॉज वी आर शोइंग दोज वीडियोज जो वहां पे दे वर ट्राइंग नॉट टू, कि ये बाहर लीक ना हो.
औरतें खुद बोल रही हैं कि हमारे बच्चों को उठा के लेके जाते हैं और फिर वो कभी वापस आते नहीं, 3 साल से 5 साल से 15 सालों से हमारे भाई घर नहीं आए हैं। तो इस तरह का टॉर्चर जो वहां पे हो रहा है, एक जेनोसाइड जो वहां पे, वो देखने की बात। आप लोग क्या करते हो, आप कार्टून्स बनाते हो, आप आईसिस की फोटो उठाते हो और बोलते हो कि ये सब कश्मीर में हो रहा है, लेकिन हम जो बोलते हैं, हम उस मुद्दे पे बोल, हम उस बेसिस पे बोल रहे हैं कि हमने वीडियोस देखी हैं, हमने रोते हुए बलूचों को देखा बलूचिस्तान में रह के। तो अगर कोई वहां से असाइलम चाहता है, हाउ कैन यू ब्लेम हिम कि ही टुक एन असाइलम। नहीं 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 मैं हरबियार साहब को मैंने इसलिए कहा था बिकॉज हरबियार मरी साहब इज ए लीडर, मरी ट्राइब को लीड करते हैं, जिस तरह बुक्टी साहब हैं, बरामदाग बुक्टी साहब, इस तरह उनका बहुत बड़ा ट्राइब है वहाँ बलूचिस्तान में। तो मैंने इसलिए उनसे ये सवाल पूछा था, मैंने कहा सर यू शुड बी हियर इन बलूचिस्तान टू लीड योर नेशन। करीमा बलूच के साथ क्या हुआ, वो तो बेचारी बाहर थी, वहां भी उसको मारा गया, उसकी बॉडी भी उसकी फैमिली को नहीं दी गई। हद देखो कितनी यहाँ पे होती है। सो आई डोंट ब्लेम हिम दैट ही इज देयर एंड ही इज रेजिंग द कॉज। वो कैसे बलूचिस्तान में बैठ के कॉज रहे, वो अगले दिन उनको डिसअपीयर करवाया जाएगा, ये तो आपको मानना पड़ेगा ये वहां पे होता है। बिल्कुल सही है याना, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि बातें और भी बहुत सारी हैं, मेरे पास और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम जो है वो मतलब उससे आगे हम चलेंगे, लेकिन क्योंकि डिस्कशन बड़ी जबरदस्त रही, बहुत सारी चीजें, और आइंदा किसी और डिबेट में होपफुली उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।